चलिए अभी हम आज नया एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बहुत बार हमने सुना है, अभी कोविड-19 का जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर पेंडेमिक, उसमें भी बोला जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़े ऐसा कुछ करना चाहिए, जिससे अच्छा फूड लेना चाहिए। तो व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी, उसको हम देखते हैं सबसे पहले। टॉपिक इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज। इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज और पैथोजन, इसको हम बोलेंगे इम्यूनिटी। कि ये एक एबिलिटी है जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके किस चीज से, पैथोजन या फिर डिजीज से, इसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। तो इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस और पैथोजन। दिस इज अबाउट द इम्यूनिटी। द साइंस रिलेटेड विद द इम्यूनिटी इज रिफर्ड एज इम्यूनोलॉजी। तो यहां से एक टर्म आता है इम्यूनोलॉजी। साइंस रिलेटेड टू इम्यूनिटी। नाउ व्हेन वी आर लैकिंग द इम्यूनिटी, थोड़ी बेसिक टर्म समझ लेते हैं क्योंकि हम टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले थोड़े टर्म्स हमको आने चाहिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया पहला डेफिनेशन इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज और पैथोजन। सेकेंड, द साइंस रिलेटेड टू द इम्यूनिटी इज रिफर्ड एज इम्यूनोलॉजी। उसके बाद अगर कोई पर्सन के अंदर इम्यूनिटी की कमी है तो उसको हम बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी इज रिफर्ड एज ससेप्टिबिलिटी। अगर उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी है तो उसको ज्यादा ही वो ज्यादा ससेप्टिबल कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसको डिजीज जल्दी लग सकती है क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी है। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी। जितनी इम्यूनिटी की कमी है वो इतना ही ज्यादा ससेप्टिबल है डिजीजेस के तरफ, तो उसको इजीली डिजीजेस लग सकती है। उसके बाद आएंगे एक बेसिक टर्म जो हम बारी बारी से यूज करेंगे इम्यूनिटी टॉपिक के अंदर, एंटीजन। नेक्स्ट टर्म इज एंटीजन। दिस इज अबाउट द बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद द टॉपिक इम्यूनिटी। एंटीजन को ए ग्लूटिनोजन भी बोला जाता है। एंटीजन को क्या बोलते हैं? ए ग्लूटिनोजन। तो यहां पर लिख देंगे ए ग्लूटिनोजन। व्हाट इज एंटीजन? एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, क्योंकि दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो भी सब्सटेंस स्टिमुलेट करता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। सो एनी सब्सटेंस दैट स्टिम्युलेट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो फिर हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि हमने देख लिया कि एंटीजन तो वायरस भी हो सकता है, एंटीजन तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई पैथोजन भी हो सकता है जिससे हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाए। पर व्हाट इज एंटीबॉडीज, व्हाट आर एंटीबॉडीज? तो
तो यहां पर एंटीबॉडी का भी टर्म समझ लेते हैं, एंटीबॉडी और ए ग्लूटिनिन। एंटीबॉडी दिस आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। कौन बनाता है इसको? बी लिम्फोसाइट, अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। सो एंटीबॉडीज आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीबॉडीज आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीटेड और सिंथेसाइज्ड बाय बी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनाया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे, इट इज टाइप ऑफ, इट इज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीटेड बाय बी लिम्फोसाइट, टाइप ऑफ WBC लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। यहां पर एक और टर्म आएगा, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मीन्स द रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज रिफर्ड एज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी बिटवीन इज रिफर्ड एज एग्लूटिनेशन। उसके बाद द साइंस रिलेटेड विद दिस एग्लूटिनेशन और स्टडी ऑफ दिस रिएक्शन इज रिफर्ड एज स्टडी इज कॉल्ड एज सीरोलॉजी, इट इज रिफर्ड एज सीरोलॉजी। नाउ अनदर टर्म दैट वी विल डिस्कस इज कॉल्ड एंटी सीरम। व्हाट इज एंटी सीरम? हमने सीरम के बारे में ऑलरेडी समझ लिया है, टॉपिक था ब्लड। सीरम क्या चीज है एक बार फिर समझ लेते हैं कि ब्लड में से अगर हम सेल्स को निकाल दें तो उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा से अगर हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो उसको बोलते हैं हम सीरम। तो सीरम तो समझ लिया, व्हाट इज एंटी सीरम? एंटी सीरम इज सीरम ऑफ एनिमल containing antibodies। यहां पर कोई एनिमल का सीरम लिया है जिसके अंदर एंटीबॉडीज है, स्पेसिफिक दिस एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू अ एंटीजन, कोई स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ये एंटीबॉडीज है, उसको हम बोलेंगे एंटी सीरम। तो सीरम ऑफ एनिमल कंटेनिंग एंटीबॉडीज विथ फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन दिस इज कॉल्ड एज एंटी सीरम। उसके बाद जो लास्ट टर्म है जिसको हमें समझना चाहिए वो है विनोम। विनोम बहुत बार सुना है, सबको मालूम है दैट टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज्ड by certain animals like snake, right? These are called as venom. Toxic substances secreted by snakes like organisms are called as सीरम। ऑल्सो दिस टाइप ऑफ विनोम्स आर सिक्रीटेड बाय इंसेक्ट, एंड यहां पर हम लिख सकते हैं स्नेक्स एंड सम
इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज विनोम। तो यहां पर हमने समझ लिया बेसिक टर्म्स को, अब हम शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में दो टाइप्स हैं इम्यूनिटी के, फर्स्ट इज इननेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां पर जो सब टाइप है इननेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो यहां पर उसके भी दो सब टाइप पार्ट्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो वी विल स्टार्ट द टॉपिक विथ इननेट इम्यूनिटी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द इननेट इम्यूनिटी, सो वी विल डिस्कस नाउ इननेट इम्यूनिटी। हमारा जो टॉपिक है वो है इननेट इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी? तो इननेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि इट इज डिफेंस गिविंग डिफेंस अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस और डिजीजेस। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए है, ये एक वाइड स्पेक्ट्रम हमको देता है जिससे हम प्रोटेक्ट हो सके। तो इननेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। और दूसरा एक चीज कि इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से ही हमारे साथ ये इम्यूनिटी रहती है, इसके वजह से इसको हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से ही हमारे बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। नाउ इननेट इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू फोर सब टाइप्स। इननेट इम्यूनिटी को चार टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, द थर्ड टाइप इज सेल्यूलर एंड फोर्थ टाइप इज साइटोकाइन बैरियर्स। तो यहां पर चार बैरियर्स है, फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है सेलुलर और फोर्थ है साइटोकाइन बैरियर। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वन बाय वन, जो कि ये इम्यूनिटी शुरुआत से ही होती है, जैसे हमारा बर्थ होता है तब से ये इम्यूनिटी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। इसको एक्वायर नहीं करना होता, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। और दूसरी बात की इट इज गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइड वेराइटीज ऑफ पैथोजेंस और डिजीजेस। तो उसका इट इज अ टाइप ऑफ नॉन स्पेसिफिक। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज एनाटॉमिकल बैरियर्स। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ईच एंड एवरी, फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, दिस आर ऑल्सो रिफर्ड एज एनाटॉमिकल बैरियर्स। तो यहाँ पर इसमें फिजिकल बैरियर्स दो है हमारे बॉडी के अंदर, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ फिजिकल बैरियर। फर्स्ट वन इज स्किन, स्किन इज मेन फिजिकल बैरियर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप समझिए स्किन का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि डेड होता है। सो यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकेंगे क्योंकि इट्सेल्फ द लेयर इज डेड।
दूसरा वो एंटर भी नहीं हो सकेंगे क्योंकि ये लेयर डेड है और कंटिन्यूस है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें से पैथोजन्स एंटर नहीं कर सकते। दूसरा कि जो पीएच है स्किन की वो है 3 to 5 विच ऑल्सो प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो स्किन इज मेन फिजिकल बैरियर, जैसे कि हमने डिस्कस किया स्किन, स्किन में जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो आपको याद रखना है, इट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि डेड रहता है, आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम, एंड दिस इज डेड, तो बैक्टीरिया यहां पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंटर भी नहीं कर पाएंगे, बैक्टीरियल एंट्री भी नहीं हो सकेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द पीएच। हमने जैसे बताया स्किन का जो पीएच रहता है वो है 3 to 5 इज द पीएच ऑफ द स्किन। तो यहां पर जो पीएच है वहां पर भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज अबाउट द स्किन विच इज द मेन बैरियर ऑफ द टाइप फिजिकल बैरियर, मेन बैरियर। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर इज म्यूकस, म्यूकोजा। तो इसके अंदर क्या होता है? म्यूकस कोटिंग इज प्रेजेंट। म्यूकस कोटिंग कहां पर होता है? तो म्यूकस कोटिंग इज प्रेजेंट इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ, जो इनर ऑर्गन्स हमारे जो बोलते हैं हम, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये क्या करता है? म्यूकस बैक्टीरिया की कोई भी पैथोजन हो उसको ट्रैप कर देता है, क्योंकि म्यूकस इज अ स्टिकी सिक्रीशन जिससे पैथोजन्स वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। और म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है वहाँ पर दो चीज, म्यूकोजल सेल होते हैं और सीलिया होता है। तो म्यूकोजल सेल्स हेल्प्स टू ट्रैप द पैथोजन और सीलिया से वो प्रोपेल करके उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो सेकेंड फिजिकल बैरियर इज म्यूकोजा। सो म्यूकस कोटिंग कहाँ पर होता है? तो म्यूकस कोटिंग इज सीन इन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ किस किस में? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके बाद नेक्स्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड थर्ड वन इज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसके बाद जो म्यूकस होता है ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सीलिया प्रोपेल इट। तो ये हो गया हमारा फिजिकल बैरियर, और अभी हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल, जो हमने फर्स्ट देखा था उसमें आया था फिजिकल बैरियर, उसमें क्या आया था कि स्किन और म्यूकोजा। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हम सोच समझते हैं, इसको बहुत अच्छा टॉपिक है ये समझने के लिए, कि सर्टेन प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर, ऐसे प्रोसेसेस जिससे कि ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है बॉडी के अंदर जिसमें क्रिएट बैक्टीरियल का ग्रोथ नहीं हो सकता है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया।
ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं विच प्रिवेंट्स और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ वेरियस माइक्रोब्स। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम पहले तो लिख देते हैं कि सर्टेन प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी क्रिएट्स एडवर्स एनवायरमेंट। For growth of microbes, microbes का growth थोड़ा inhibit हो जाएगा। तो how this processes can inhibit? Which type of processes can inhibit the growth of microbes? उसमें सबसे पहला जो है वो है fever। समझिए, बॉडी के अंदर आप देखा है जब भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है जिससे को हम बोलते हैं फीवर। दिस शोज एबनॉर्मलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो फीवर के वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है और इसकी वजह से कोई कितने सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जिसमें जिसको ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, और जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, ये ग्रोथ ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो द मेन इज फीवर राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी rising temperature of body inhibits growth of microbes। Next अगर हम समझे तो second is pH of the body। जैसे temperature भी बहुत important है growth के लिए microbes के, जो टेम्परेचर जैसे थोड़ा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाता है, वैसे ही एक है पीएच ऑफ द बॉडी। इफ यू टॉक अबाउट पीएच, हमने देखा है कि हमारा जो ओरल कैविटी माउथ के अंदर जो ओरल रीजन होता है वहाँ पीएच एसिडिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई पैथोजन वाया ओरल रूट से अगर एंटर होता है हमारे बॉडी के अंदर तो वहाँ पर ही वो डिस्ट्रॉय हो सके या फिर इसका ग्रोथ भी इनहिबिट हो सकता है। सेकंड इज द पीएच ऑफ अवर स्टमक इज आल्सो हाईली एसिडिक। सेम वे इन केस ऑफ फीमेल वजाइनल फ्लूइड इज आल्सो एसिडिक। सो वजाइना की जो पीएच रहती है वो भी एसिडिक है। तो यहाँ पर द पीएच ऑफ द बॉडी एसिडिक पीएच इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरिया। नाउ व्हिच प्लेसेस एसिडिक पीएच इज फाउंड। तो यहां पर एसिडिक पीएच कहां कहां पर होते हैं? तो ओरल कैविटी, उसके बाद स्टमक एंड वजाइना, एसिडिक पीएच इज फाउंड विच इनहिबिट्स द ग्रोथ। थर्ड इज सर्टेन सिक्रीशंस ऑफ अवर बॉडी ऑल्सो कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अवर पैथोजन्स, पैथोजन्स का ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थर्ड वन इज अबाउट सिक्रीशंस, कौन कौन से सिक्रीशंस होते हैं। तो सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी में आएगा सबसे पहले कि सिक्रीशंस कंटेन्स लाइसोजाइम विच इज एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस। तो सिक्रीशंस कहाँ कहाँ से हो सकते हैं ऐसे? तो एक दैट इज लाइसोजाइम इज फाउंड इन टीयर्स, सिक्रीशन फ्रॉम आईज,
दूसरा है इट इज ऑल्सो फाउंड इन सलाइवा, थर्ड इज इट इज ऑल्सो फाउंड इन सीबम ऑफ द बॉडी, सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो जो सीबम रिलीज करते हैं स्किन में से. दिस ऑल द थ्री कंटेन लाइसोजाइम एंड विच कैन किल द बैक्टीरिया, सो वी कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बाय फिजियोलॉजिकल बैरियर. चलिए अभी हम थर्ड टाइप का जो इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता हुआ बैरियर है उसको हम डिस्कस करते हैं. द थर्ड बैरियर इज रिफर्ड एज सेलुलर बैरियर. अगले पार्ट में हमने फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों को इसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जो हमको बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजीजेस के, और एंड वी कैन बी हैविंग अ गुड इम्यूनिटी. तो ये कौन से सेल्स हैं जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं? तो द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स. तो सेलुलर बैरियर में दो टाइप के सेल्स आएंगे, एक है फैगोसाइटिक और दूसरा जो है वो है नॉन फैगोसाइटिक. जो फैगोसाइटिक सेल्स है उसमें जो आपको मालूम है ब्लड हमारा WBC जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट्स टाइप ऑफ WBC, अगेन PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, दिस आर टाइप ऑफ न्यूट्रोफिल्स. ये न्यूट्रोफिल्स है और इसमें मल्टीलोब न्यूक्लियस रहता है. पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड दिस मोनोसाइट्स विच फर्दर गेट्स कन्वर्टेड इंटू मैक्रोफेज, ये हमको दोनों ब्लड में पाए जाएंगे. उसके बाद जो मैक्रोफेज है वो हमको टिश्यू में मिलते हैं. तो मैक्रोफेज आर जनरली फाउंड इन टिश्यू वाइल मोनोसाइट्स एंड PMNL आर फाउंड इन द ब्लड, दैट इज इन द दे आर अ टाइप ऑफ WBC ल्यूकोसाइट्स है. अभी इसमें जो फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, क्योंकि ये फैगोसाइट है, कैसे वो बैक्टीरिया या फिर सेल डेब्रीज या फिर वायरस को कैसे एनगोल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करता है वो हमको समझना है, क्योंकि इसके थोड़े स्टेप्स हैं जो NCERT में नहीं दिए गए हैं, पर हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है. तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस में देखते हैं. जो मेन टाइप के फैगोसाइटिक सेल है वो है PMNL यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज. तो सबसे पहले जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर होता है उसकी वजह से अब हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है जिसमें क्या होता है हिस्टामाइन रिलीज होता है. व्हेन देयर इज एन अटैक ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी ड्यू टू दैट एंट्री ऑफ द पैथोजन, एंट्री जब होता है पैथोजन का तो हिस्टामाइन रिलीज होता है, और हिस्टामाइन रिलीज होने की वजह से जो हमारा नज़दीक जहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन है नज़दीक वाले जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होंगे, क्योंकि हिस्टामाइन इज अ वासो डायलेटर. तो जब ब्लड यहाँ से फ्लो होता है तो ये जगह पर ब्लड वेसल्स आगे जाके क्या हुआ डायलेट हो गई, डायलेट होते ही ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा. तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है वासो डायलेशन. वैसोडाइलेशन कैसे होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन. जैसे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर से रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसमें हिस्टामाइन रिलीज होता है. हिस्टामाइन जब रिलीज होता है तो ब्लड वेसल डायलेट होता है. तो ब्लड वेसल जैसे डायलेशन होता है तो ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो स्पेस वॉल्यूम है वो ब्लड वेसल का बढ़ गया है इसलिए ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ. ब्लड फ्लो का जो रेट डिक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं वॉल्स के साथ, ब्लड वेसल्स के वॉल के साथ वो एडहियर हो जाते हैं. दैट इज द सेकेंड प्रोसेस रिफर्ड एज एडेशन, दैट इज ब्लड सेल्स जैसे ल्यूकोसाइट्स आर गेटिंग एडहियर टू द ब्लड वेसल. Now the third process is diapedesis, जिसका मतलब है कि
ये ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में कौन से आएंगे, तो मोनोसाइट्स और पीएमएनएल, मोनोसाइट्स और पीएमएनएल विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसका मूवमेंट होता है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लड वेसल्स को छोड़ के वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएंगे बाय एक्टिव मूवमेंट एंड दे विल गो बाय अमीबॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी कि एनर्जी भी यूज होगी और अमीबॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट रहेगा ये। तो द थर्ड इज डायएपिडेसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दैट इज मोनोसाइट्स एंड पीएमएनएल पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कौन सी मूवमेंट होगी? अमीबॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट। आफ्टर दिस व्हेन ल्यूकोसाइट्स हैव एंटर्ड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके बाद आएगा केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस का मतलब क्या है कि ये ल्यूकोसाइट केमोटैक्टिक मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट से वो कहाँ पर जाएंगे, टूवर्ड्स द पैथोजन, जहाँ पर हमारा बैक्टीरिया है वहाँ पर उसका मूवमेंट होगा बाय केमोटैक्सिस, दैट इज केमोटैक्टिक, ये भी एक एक्टिव मूवमेंट है। तो यहाँ से जो पैथोजन के बाजू जब जाता है तो उसको हम बोलते हैं केमोटैक्सिस। एंड नाउ देयर इज द इंटरेक्शन बिटवीन फैगोसाइटिक सेल एंड बैक्टीरिया, दैट इज रिफर्ड एज फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में कौन से तीन स्टेप्स है? फैगोसाइटोसिस में फर्स्ट है अटैचमेंट, जैसे कि ये फैगोसाइटिक सेल है तो बैक्टीरिया इज नाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फैगोसाइटिक सेल, ये हमने एक पूरा मैक्रोफेज ड्रॉ किया है क्योंकि मोनोसाइट्स फर्दर आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेज। तो यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया और फैगोसाइटिक सेल आर वेरी नियर, तो बैक्टीरियल सेल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फैगोसाइटिक सेल, बैक्टीरिया विल फर्स्ट गेट अटैच विद द फैगोसाइटिक सेल, दैट इज मैक्रोफेज, वहाँ पर जाके अटैच करेगा। उसके बाद हमको मालूम है कि मैक्रोफेज बाय फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया उसको वो एंगल्फ करेगा कौन से फॉर्म में, तो वैक्यूल बनेगा फिर अंदर आएगा, दैट इज इंजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ वैक्यूल रिफर्ड एज फैगोसोम, उसको बोलेंगे फैगोसोम, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो एंगल्फ हो चुका है सेल के अंदर। आफ्टर दैट सेल मैक्रोफेज के अंदर लाइसोसोम रहता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बैक्टीरियासाइडल एंजाइम्स भी होते हैं, दैट लाइसोसोम विल फ्यूज विद फैगोसोम टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। तो ये यहाँ पर फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोसोम, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना उसको हम बोलेंगे फैगोलाइसोसोम। Now, further, these enzymes will destroy the ingested microbe, जो अंदर लिया गया microbe है उसको पूरा पूरी तरह से destroy करेगा और उसके बाद finally that is ingested out and this is the process of phagocytosis। जैसे हमने phagocytic cell का process देखा, वैसे second है non-phagocytic cell, in case of सेलुलर बैरियर सेकेंड टाइप इफ ऑफ सेल्स आर नॉन फैगोसाइटिक सेल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉन फैगोसाइटिक सेल्स, नॉन फैगोसाइटिक सेल्स में आते हैं नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स जिसको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। दिस सेल्स generally kills the tumor cells as well as virus infected cells, these are able to kills tumor cells and virus infected cells। तो ये कैसे होता है, तो natural killer cells क्या करते हैं, दे फॉर्म पोर्स, परफोरिंग लाइन पोर्स इन द ट्यूमर सेल्स
और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स फॉर्म्स दोनों फॉर्म्स परफोरिन लाइन पोर्स भी, ये जो सेल्स होंगे जिसमें पोर्स हो जाएंगे तो वाटर क्या करता है, वाटर एंटर्स इनटू द सेल, वाटर एंटर हो जाएगा ट्यूमर सेल्स या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर पानी चला जाएगा, इससे क्या होगा स्वेलिंग होगा और लेटर ऑन इट विल कॉज द बस्टिंग ऑफ द सेल, पूरा सेल बस्ट हो जाएगा और इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कॉजिंग दिस फॉर्म पोर्स वाटर एंटर्स इनटू द सेल कॉजिंग स्वेलिंग एंड बस्टिंग, सो दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। सो पहले में जो देखा हमने फेगोसाइटिक में मोनोसाइट था, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट टाइप ऑफ न्यूट्रोफिल, तीसरा था मैक्रोफेज, मैक्रोफेज कहाँ पाया जाता है टिश्यू के अंदर, वैसे ही जो दूसरा एक टाइप है नॉन फेगोसाइटिक सेल उसमें आएगा नेचुरल किलर सेल्स। इट इज व्हाट इज नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल इज अ लार्ज ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट, यानी कि ये भी एक डब्ल्यूबीसी है, एक लार्ज ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, क्यों, क्योंकि ये देखो यहां पर क्या है लिम्फोसाइट, तो ये एक टाइप का ल्यूकोसाइट ही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोकाइन बैरियर, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इननेट इम्यूनिटी, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सेलुलर बैरियर। द लास्ट टाइप ऑफ बैरियर इज रिफर्ड एज साइटोकाइन बैरियर, पहले हमने ऑलरेडी तीन देख लिए हैं, अभी फोर्थ वन जो है वो है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर के अंदर टॉपिक आता है इंटरफेरॉन्स। यहां पर देखते हैं कि अगर कोई सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इफ अ वायरस इन्फेक्टेड सेल इज देयर, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाता है जो एडजेसेंट सेल को प्रिवेंट करता है वायरल इन्फेक्शन से। समझिए इस बात को कि वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाता है, एंटीवायरल प्रोटीन, और ये कहां पर जाके बाइंड हो जाएगा, यहां पर तो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, पर जो एडजेसेंट सेल है, एडजेसेंट सेल्स वहां पर जाके बाइंड हो जाएगा, और जो एडजेसेंट सेल पर बाइंड होगा वहां पर एक प्रोटीन सिंथेसिस होगा एडजेसेंट सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं टीआईपी, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स, जिससे ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स, यहां पर ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा। अभी समझिए एंटीवायरल प्रोटीन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, तो एंटीवायरल प्रोटीन को बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स, दिस आर इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो बनते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर में, जे जाके एडजेसेंट सेल्स के साथ बाइंडिंग कर देंगे और इससे क्या होगा ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, जिससे ट्रांसलेशन नहीं होगा, यहां पर हम वायरस का ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वायरस इज हैविंग द प्रोटीन इन इट्स स्ट्रक्चर, अगर प्रोटीन नहीं बनता है तो उसका जो रिप्रोडक्शन जो होगा मल्टीप्लीकेशन इन द सेल वो नहीं हो सकेगा। आगे इंटरफेरॉन्स का हम देखते हैं तो उसमें जो इंटरफेरॉन्स होता है वो एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन,
ये जो इंटरफेरॉन्स है ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स है और ये बनते हैं 270 अमीनो एसिड्स से। इसके अंदर 270 अमीनो एसिड्स रहते हैं। इंटरफेरॉन्स आर हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी कि ये इंटरफेरॉन्स सेम स्पीशीज के लिए ही काम लगेंगे, दूसरी स्पीशीज के लिए नहीं लगेंगे। तो यू कैन यूज इट फॉर सेम स्पीशीज ओनली, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक। आगे ये देखते हैं कि इसके जो एग्जांपल्स हैं इंटरफेरॉन्स के, तो दो एग्जांपल्स हम लिखते हैं, इंटरफेरॉन्स अल्फा जो इंटरफेरॉन्स अल्फा है वो क्या करते हैं कि ये हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर सकते हैं। इट हैज आल्सो शोन द रिग्रेशन ऑफ कपोजिस सार्कोमा इन एड्स पेशेंट। कपोजिस सार्कोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर जो कि स्किन के अंदर मासिस होते हैं, इसको हम बोलते हैं कपोजिस सार्कोमा। तो इट एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम एंड ऑल्सो हैज शोन रिग्रेशन इन कपोजिस सार्कोमा इन एड्स पेशेंट। राइट, ऐसा ही एक इंटरफेरॉन है जिसको हम बोलेंगे इंटरफेरॉन बी, यानी आईएनएफ बीटा। ये ल्यूकोसाइट बनाता है इंटरफेरॉन अल्फा, जबकि इंटरफेरॉन बीटा जो है वो बनाता है फाइब्रोब्लास्ट। सो बेसिकली इट इज हेल्पिंग टू रिग्रेस द ट्यूमर इन सर्टेन केसेस। जैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था इननेट इम्यूनिटी, यहाँ पर ये बहुत सारे नीट के अंदर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, गुड सेट के अंदर भी आ चुके हैं। तो दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल। थैंक यू।